ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला होता है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला होता है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरों अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला होता है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला होता है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरों अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें, फिर शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें या साने। इसके बाद हाथ में प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा के अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हुए हों, वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्या आसन में स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडप लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडप और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा के लिए एक शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 से नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग को 5 शेर, ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्रलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा या 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़प के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1,000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों से भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए, तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यंत्र पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले होते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले से मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं की लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। तीजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से
भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 1000 दिनों में 100 या 1000 बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किए जाने वाला उनका नित्य पूजा मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों को विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों से हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं का देने वाला है। उससे बुद्धि और क्षय नहीं होती, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन में युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द की अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूजा यते अनेनीति पूजा। यही पूजा शब्द की बयो उत्पत्ति है। पूर्व का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले अभीष्ट भोग अपेक्षित होते हैं और निष्काम भाव वाले अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ होते हैं। इन्हें योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कार्य कालांतर में फल देते हैं, किंतु काव्य और कर्म की यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास वाली चतुर्थी को ही की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास में रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शंकर सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को केवल द्वादशी को ही किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है।
कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों तथा फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करना चाहिए। अश्विन माह में शुक्र पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाली होती है। उसी माह से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसर पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माह कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं से बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास के प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव का पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों द्वारा पूजन करें। उनके पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित और देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला होता है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्ति को देने वाला होता है। घर के आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंदन का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि के दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य हो जाती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु जी का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्य का दान देने से मानवों के भोग की पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बांध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिव्य पाखों की वंदना दिग्गजों नागों और सेतपालों का पूजन त्रिनेत्रधारी रुद्र पापहारी विष्णु और ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विन कुमारों का पूजन करने से रोग दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक लोहा तेल और उड़द आदि का त्रिकुट सौंठ पीपल और गोल मिर्च फल गंध और जल आदि का घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण मोती एवं कठोर वस्तुओं का दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ सेर होना चाहिए, सुवर्ण आदि का मान कम से कम एक पल। धन के संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन
क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन के अघनी के चावल से तैयार किए गए हव्ये का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि आरोग्य, धर्म वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक एवं परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला होता है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर सैगव काल तक और पूषा काल में पूजन का विशेष महत्व माना गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्यान्ह काल तक वेद माता गायत्री का जप करें, तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पज्जाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान एवं पज्जाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सदाचराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार होता है। आधार में ही अध्येय का समावेश अथवा लय होता है। यही सरलीकरण है। यही सरलीकरण की स्थिति से ही सृष्टिकाल की जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदी नाथ स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाथ शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म से संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाथ स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता को पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमात्मा का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्र अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिव अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही पुरुष प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि से क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उनका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ होता है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म का अधिष्ठान भूत मातृपितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए।
गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्य से मेल से नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्यान लिंग कहते हैं। स्वयं भूलिंग नाथ स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है उस विकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। जो पूजा दीक्षा देने में जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने का आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।